हेलो फ्रेंड्स, आज की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं लेकर आपके पास आया हूँ। जिन बच्चों के जिन स्टूडेंट जो है एडमिशन कराना चाहते थे इग्नू के अंदर, वो जो है अभी अपना एडमिशन करा सकते हैं। जो है लास्ट डेट जो है जुलाई 2020 में जो एडमिशन की है, वो बढ़ती 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 दिसंबर तक आ चुकी है। तो इसमें आपको कम से कम 6 महीने का फ़ायदा होने वाला है। जिन बच्चों को एडमिशन की रिक्वायरमेंट थी और जिनका जो है साल बचाने के लिए रिक्वायरमेंट है, जिनका क्रेडिट कार्ड इग्नू से है या कहीं से है, जिनका भी जो है अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SC ST के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए फ़ीस में जो है एग्जम्पशन है। उनको एक साल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर की उनको फ़ीस देनी पड़े, लेकिन अब की बार कुछ नहीं देना है। SC ST वाले स्टूडेंट जल्दी से अपना फॉर्म भरें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो चलो शुरू करते हैं। आप जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लास, BA, BCom, BSc, MBA और सभी के बारे में पूरी नॉलेज। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट बढ़ा के अभी कर दी गई है 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। और SC ST के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो फी में एग्जम्पशन है, जो फी में जो छूट है, वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए मिलेगी। मान लिया कोई एक प्रोग्राम BA करना चाहता है, उसके साथ साथ कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कोई करना चाहता है, तो उसकी फ़ीस उसको देनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही जो प्रोग्राम है उसमें उसको छूट मिलेगी। तो इसके साथ आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? एक स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन किया हुआ, अपनी एज प्रूफ का फोटोग्राफ, एज प्रूफ जो मान लिया वो आपका जो 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट है और सनद है उसमें होती है, आपके एज डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपको स्कैन जो है अपने, अगर आप फी एग्जम्पशन ले रहे हैं SC ST वाला, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और BPL वाले की तो ये तो है नहीं। अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है आपके साथ सपोर्ट करने वाले 10th है और 12th है, उनकी सनद या मार्कशीट कॉपीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और फिर आपको फ़ी कर देनी है पे ऑनलाइन मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन आपको जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है एक जगह पे संभाल के रखें फिर, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आता है तो उसी से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर आप भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे? तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसी से फिर दूसरे साल का और तीसरे साल का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसको कभी भी खोना नहीं है। और जब इसको आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। मान लिया आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और अपनी पूरी डिटेल इसमें भर देनी है। पूरी डिटेल भरने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना, तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर वो यूजर आईडी पासवर्ड करके आप साइन इन हो जाना है। साइन इन में जैसे आप करोगे, वो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ डाल के अपनी जो है इन्फॉर्मेशन भर के, पूरे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, फ़ोटो और साइन अपलोड करके अच्छी तरीके से, और फिर पे कर देना है। 3-4 दिन बाद आपका एडमिशन के कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, और यहाँ पे जो है पूरी ऑनलाइन क्लासेस है BA की, BCom, BSc और MBA की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में पूरी वीडियोज़ बनाई गई हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है सबसे पहले आपको इग्नू की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।